तो इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम क्रेडिट फाइल देख लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने लाइब्रेरी को ऐड किया है, इस डिपेंडेंसी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और सबसे पहले हम लेआउट बनाएंगे, तो जैसे कि सब में बनाने पड़ेगा। इसमें सिर्फ दो चीज़ें बनानी है हमें, वो एक बटन जिसके लिए आप जिससे आप इमेज को चूज कर सकें, तो वो इमेज आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं। और एक इमेज व्यू बनाना है जो कि हमारा पर्टिकुलर सिंपल सा एक बनाना है इमेज व्यू, जिसमें हम अपनी जो क्रॉप्ड इमेज होगी उसको सेट करेंगे। तो सिंपली मैच पैरेंट मैंने दे दिया, हाइट को मैंने 300 dpi रखा है। अब इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो कॉन्स्टेंट लेआउट बना सकते हैं ताकि ये सारी जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो जाए एक तरीके की। अगर आप चाहें तो इस तरह से रिलेटिव लेआउट भी बना सकते हैं। मैंने एक इमेज भी बना लिया है, एक कंफर्ट बटन बना रहा हूँ मैं, और बटन सिंपल होगी, मैच पैरेंट रैप कंटेंट टेक्स्ट अंदर होगा, चूज इमेज का टेक्स्ट साइज 25 SP, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, कलर टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दूंगा, टेक्स्ट बैकग्राउंड व्हाइट कर दूंगा, एलिवेशन थोड़ा सा दे दूंगा, और ID सेट कर देंगे दोनों की। IMG इमेज मैंने इमेज व्यू को दे दिया है, BT सेलेक्ट इमेज मैं बटन को दे रहा हूँ, और लेआउट ब्लो कर दूंगा IMG इमेज के। तो यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा दे देते हैं, 20 dpi का एक, ये काफ़ी रहेगा 20 dpi। और एलिवेशन थोड़ा सा दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बाहर आ जाए, बाकी थोड़ा सही लगने लगे। हाँ ओके, सही लग रहा है। अब हम चलते हैं सीधे अपने मेन एक्टिविटी में। तो सबसे पहले हम पहले क्या करते थे कि ओवरराइड करते थे, अगर जब हमें यूज़ करता था ऑन एक्टिविटी फॉर रिजल्ट एक्चुअली। तो अगर आप जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, ये हम पहले मिलते थे, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब डिप्रिकेट हो चुका है। तो डिप्रिकेट हो चुका है तो इसलिए अब हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आगे के लिए, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप गेट कंटेंट कर सकते हैं, आप इसमें पिक इमेज कर सकते हैं, बहुत सारी आप इसके फंक्शंस हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने डिपेंडेंसी इसमें लगा दी है, तो उसी डिपेंडेंसी का सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट को। मैं बता दूँ डिपेंडेंसी जो हमने बनाई है उसी से रिलेटेड हम एक अपना कह सकते हैं कस्टम रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो सिंपली प्राइवेट वैल आपका, मैं यहाँ पे क्रॉप एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाऊंगा, जो कि सिंपली इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। ऑब्जेक्ट में यानी ऑब्जेक्ट इसलिए मैं डिफाइन करूँगा ताकि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना ले, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब यही है बस। और फिर यहाँ पे एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें आप देख सकते हैं कि आई और ओ दो टर्म है, यानी कि आई यानी कि इनपुट, जो हम इनपुट देंगे, यानी कि हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एनी सेट कर रहा हूँ और इसको नल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, नल भी हो सकता है। और URI यानी कि URL हमें चाहिए उसका, और जो भी चीज़ हम यहाँ पे एंटर करेंगे उस मतलब रिटर्न में जो आएगा हमारे आउटपुट यानी बेसिकली। तो सिंपली अब हम ऑब्जेक्ट हमें जैसे कि दिख रहा है रेड लाइन आ रही है, यानी कि हम इसमें कुछ मेंबर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्रिएट इंटेंट है, एक है पार्स रिजल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप क्रिएट इंटेंट को देखेंगे तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो है इंटेंट। तो बेसिकली हमें रिटर्न करना है कुछ, तो उसके लिए क्रॉप इमेज और डॉट एक्टिविटी, एंड देन फिर हम यहाँ पे सेट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं सेट करने के लिए, जैसे कि एक्टिविटी मेन्यू आइकन कलर, टच रेडियस, स्नैप रेडियस, क्रॉप ओवरले, स्केल टैप, रोटेशन डिग्री, आउटपुट, मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजेंटली, बॉर्डर कलर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे सेट एस्पेक्ट रेशियो करेंगे। एस्पेक्ट रेशियो आप इसी बेसिकली आप कह सकते हैं कि सिंपली जो इमेज है आपकी उसका एस्पेक्ट रेशियो है यहाँ पे, जिसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बेसिकली हमें नहीं डिफाइन करना चाहिए, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कस्टम एक बना रहे हैं अभी तक। गेट इंटेंट करेंगे जो कि हमें मेन एक्टिविटी का होगा, और फिर हम सिंपली पार्स रिजल्ट करेंगे। इसमें हम जो है रिटर्न करेंगे जो वो होगा हमारा URI, और जो कि नल है एक्चुअली, बट ठीक है क्योंकि नल बेसिकली आपको लगाना ही पड़ता है, क्योंकि कभी कभी होता है डाटा नल आ जाता है, तो उसको उसको कह सकते हैं हैंडल करने के लिए ये होता है। तो क्रॉप इमेज डॉट गेट एक्टिविटी रिजल्ट और डॉट URI, यहाँ से हमें जो URI मिलेगा वो सिंपली हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे। और फिर अब हम नीचे आते हैं अपने ऑन क्रिएट मेथड पे, जिसमें हमें सबसे पहले जो करना है वो है एक हमारा जो सिंपली जो हमने वेरिएबल्स विजिट्स जो व्यूज बनाए थे, इमेज व्यूज और अपना आपका बटन व्यू बनाया था, तो वो चीज़ों को यहाँ पे पहले तो हम डिफाइन करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ क्रॉप एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर को, जो कि हमारा होगा एक्टिविटी रिजल्ट।
सिंपल लॉन्चर, और इसमें हम सिर्फ इनपुट देंगे जो कि होगा हमारा एनी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले जो हमने व्यूज बनाए थे उनके वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, और प्राइवेट लेट इनिट वेर, इसमें हम इमेज के लिए चूज इमेज बटन के लिए, सॉरी चूज इमेज कर लेंगे, बटन हो जाएगी। और इमेज व्यू के लिए यहाँ पे आप मैं यहाँ पे इमेज व्यू दे रहा हूँ, और इमेज व्यू हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम इसको सीधे सीधे जो हमारा फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, जो उसकी पर्टिकुलर आईडी होती है उससे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली वही करना है हमें, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, जो हम लोग बहुत टाइम से करते आ रहे हैं वही सेम चीज़ में अभी कर रहे हैं। बस जो डिफरेंट था वो ऊपर था, जो हमने मैनुअली एक रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है क्रॉप एक्टिविटी के लिए, तो बस वहीं से ही थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और इसमें आप जो ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी, इसमें आप जूम का भी फीचर है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें। मैं यहाँ पे सिर्फ क्रॉप का ही फंक्शन यहाँ पे बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा, अब क्या करने वाले हैं, क्रॉप एक्टिविटी रिजल्ट लॉन्चर जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, रिजल्ट रजिस्टर करना है, रजिस्टर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट, और अंदर हमने क्रॉप एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रेस्ट दिया है। फिर हमें जो रिटर्न मिल रहा है वहां से अगर आप देखेंगे तो इट जो है हमारा वो है यूआरआई टाइप का, तो इट डॉट लेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे डॉट हटा देंगे एक्चुअली। ये जो हमारा ऑपरेटर है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमें बता रहा है कि अगर इट नल है तो क्या करना है। तो सिंपली सॉरी नल नहीं है तब क्या करना है, तो इट डॉट लेट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज यू आर आई, तो सिंपली इट यहाँ पे कर देंगे, जो हमें यू आर आई मिल रहा है उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा लॉन्चर है उसको लॉन्च करेंगे जब भी हमारी बटन क्लिक होगी, यानी कि जो हमारा प्रॉपर पर्टिकुलर सेट चूज इमेज का बटन हमने बनाया था उसको सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, और उसके अंदर हम सिंपली एक जो हमारा क्रॉप एक्टिविटी लॉन्चर था उसको लॉन्च करेंगे। और लॉन्च के अंदर हम दे देंगे सप्रेस लिंट यहाँ पे नल कर देंगे, और उसके बाद सिंपली हमें अब क्या करना है, यहाँ पे एक एक्टिविटी पे बेसिकली डिफाइन करनी पड़ेगी क्रॉप इमेज एक्टिविटी के लिए, वहाँ पे हमें क्रॉप इमेज एक्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी नेम क्रॉम डॉट, ये जो आपको मिल जाएगा एडेमोडो क्रॉपर डॉट क्रॉप इमेज एक्टिविटी। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं, एक्चुअली रन तो कर लेना, रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जो मेरा वर्चुअल डिवाइस है उस पर ये काम नहीं कर रहा था, पर मोबाइल में मेरा काम कर रहा था। मोबाइल की स्क्रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो खींच के मैंने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉप मैं कर रहा हूँ सिंपली। और जैसे ही मैं इसको क्रॉप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रॉप हो गई है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।